गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके सामने जो पीडीएफ ओपन है बेटा, वो चैप्टर थर्ड की जो मैंने रीडिंग करा चुका हूँ आपको, जिसकी रीडिंग दो पार्ट में हुई थी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। इसके बाद बेटा नंबर आता है मीनिंग्स का, इसीलिए रीडिंग पहले कराई गई थी ताकि जब मीनिंग्स कराई जाएँ तो कम से कम मीनिंग्स कराने की ज़रूरत पड़े और जो भी मीनिंग्स हैं वो हार्ड वर्ड इसमें में ऐड हो जाएंगे आपके, तो विद स्पेलिंग्स एक एक मीनिंग को हम अच्छे से समझेंगे। चैप्टर का जो टाइटल था बेटा वो आपका था अ रियल हीरो मैथनी मैथ्यूस। मैथनी मैथ्यूस के बारे में चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और फिर से आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट मीनिंग क्या है, फर्स्ट मीनिंग है हमारी ORCHE ORKSTRATED। ऑर्केस्ट्रेटेड का मीन्स होता है योजना बनाना। वैसे जो ऑर्केस्ट्रा का मीन्स होता है वो संगीत यंत्र जो हमारे होते हैं उसी में आता है, तो ऑर्केस्ट्रेटेड का मीन्स भी है हमारा योजना बनाना। स्ट्रैंडेड STRANDED स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मीन्स होता है असहाय या मुसीबत में। ये स्ट्रैंडेड वर्ड जो है ये चैप्टर में आपका बार बार यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 170,000 भारतीय जो फंसे थे वो मुसीबत में ही थे, खुद को असहाय फील कर रहे थे, इसलिए ये वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखना ज़रूरी भी समझा। नेगोटिएटिंग, नेगोटिएटिंग का मीन्स होता है बेटा सुलझाना या बातचीत करना, आपस में जिस चीज़ को हम बात को किसी को सुलझाते हैं, मसला कोई सुलझाते हैं, तो वो दैट मीन्स नेगोटिएटिंग। नेक्स्ट मीनिंग है डेस्परेट, डेस्परेट का मीन्स होता है निराशाजनक, यानी कि अपने आप में आशा खो देना, निराश हो जाना, निराशाजनक। इवैक्यूएशंस वर्ड भी बहुत यूज़ हुआ है, स्थान त्याग, मतलब एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस के लिए जाना, क्यों? वो जो 170,000 भारतीय थे वो कुवैत में फंसे थे और वो वापस अपने देश इंडिया आना चाहते थे, तो दे नीड टू बी अ इवैक्यूएशंस, तो इवैक्यूएशन का मीन्स हो गया स्थान त्याग। एक्यूमुलेटेड का मीन्स बेटा है इकट्ठा या संचित या फिर एकत्रित करना, एक्यूमुलेटेड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है अधेयर, ADHEER, अधेयर, अधेयर का मीन्स होता है पालन करना या अनुसरण करना, ओके बेटा, अधेयर का मीन्स हो गया पालन करना या अनुसरण करना। इसके बाद नेक्स्ट, और ये देखिए एक तरीका और है बेटा, कि अगर आप सोचेंगे कि वीडियो से हम मीनिंग को कैसे नोट करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को रोक दें वहाँ पर और उसको फिर उसका या स्क्रीन शॉट लेना, आप जानते हैं, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अच्छे से, या फिर उसको वीडियो को रोक कर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिए हम यहाँ पर क्या है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मीन्स होता है शोषण करना या लाभ उठाना। देन ऑब्लिस्ट, ऑब्लिस्ट का मीन्स मजबूर या आभारी, किसी भी चीज़ के लिए मजबूर होना या आभार व्यक्त करना, दैट मीन्स ऑब्लिस्ट। उसके बाद हमारा पर्सनली, पर्सनली का मीन्स होता है व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए जो यूज होता है पर्सनली। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स का मीन्स होता है अभिनंदन या बधाई। अप्लॉडेड, अप्लॉडेड का मीन्स सराहना या प्रशंसा होता है, अप्लॉडेड, ठीक है, अप्लॉड भी प्रशंसा करना, तो अप्लॉडेड भी सही हो गया, सराहना या प्रशंसा करना। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मीन्स हो गया संभार तंत्र संबंधी, लॉजिस्टिक मीन्स कोई भी हमारे जो हार्डवेयर वाली चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स लॉजिस्टिक्स, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे सामान वगैरह इकट्ठा होते हैं या लॉजिस्टिक कंपनीज भी होती हैं, तो वो दैट मीन्स लॉजिस्टिक। संभार तंत्र संबंधी उसका शुद्ध हिंदी मतलब होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स बाहरी मामले। डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स का मीन्स होता है बेटा राजनीतिक या कूटनीतिक, ठीक है, डिप्लोमेट्स। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग हमारी जो आती है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मीन्स होता है नौकरशाही या अधिकारी वर्ग, जिसको अफसरशाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मीनिंग्स हैं बेटा ये आपकी मीनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, और ये समझ लीजिए चैप्टर इसीलिए मैंने पढ़ाया था ताकि मीनिंग का यूज़ कम से कम हो, तो आप इनको अच्छे से कर लें वीडियो को रोक कर, या फिर आपका स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो अच्छे से कर लीजिए, ओके। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बच्चों की शिकायतें हैं कि सर पिछले जो वीडियोस हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं या उनको हम कैसे दे लें, तो बेटा जिस चैनल पे आप देख रहे हैं तो इस चैनल आप YouTube पर डालिए सीधा सीधा थिंक डिफरेंट विद महेंद्र, फिर वहाँ पर ऑप्शन होगा वीडियोस होम प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने क्लास के अकॉर्डिंग देख लें कि कौन सा क्लास में सब्जेक्ट क्या है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हर एक टीचर्स की, सागर सर की या फिर बाकी टीचर जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर कोई फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ओके बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, उनको सबको अच्छे से आप कर लें।